हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाकी तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा टॉपिक का नाम। तो हमारा टॉपिक है आज का किरचॉफ्स लॉ। तो हम किरचॉफ्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमें किरचॉफ्स लॉ समझ में आ जाएगा। तो हम पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, यूज़ किरचॉफ्स रूल्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करंट I1 फ्लोइंग इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे एक सर्किट दे रखी है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हमें करंट निकालना है, करंट भी वो भी I1 की वैल्यू। तो ज़रा देखते हैं हम सर्किट को। ज़रा सर्किट हमारे यहाँ पे लूप बन रहा है, और इस लूप में देखिए यहाँ से डी से सी, सी से बी, सी बी पे एक बैटरी कनेक्ट है 20 वोल्ट की, उससे फिर I3 करंट जा रहा है 20 ओम रेजिस्टेंस से। फिर I3 एक पॉइंट मिल रहा है ए, यहाँ से I3 डिवाइड हो रहा है I1 और I2। तो ए क्या पॉइंट हो गया, ए यहाँ में मिल गया है। ए जो है ये हमारा है जंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जंक्शन रूल लगा देते हैं। तो अप्लाई किरचॉफ्स जंक्शन रूल एट ए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा I3 है वो डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। फिर ऐसे करके एक सर्किट दे रखी है, तो हम इसमें ना लूप कंसीडर करते हैं। तो एक लूप मैं ले लेता हूँ ये वाला इस डायरेक्शन में पहले। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम। क्लियर, लूप मैं लेता हूँ, कर देता हूँ अप्लाइंग वोल्टेज रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लूप कौन सा है जो मैं यहाँ लूप ले रहा हूँ, वो लूप ले रहा हूँ मैं डी से शुरू हो रहा हूँ, सी देन बी, बी से ए, फिर एच और देन डी। क्लियर, इसमें लगाते हैं। तो अब डायरेक्शन देखते हैं हम, जैसे हमारे साइन कन्वेंशन है, हमारा 20 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बी सी से। तो सबसे पहले डायरेक्शन का अकॉर्ड करूँगा, तो 20, फिर I3 जा रहा 20 ओम से, तो -20 I3। फिर ये जा रहा है I1 जा रहा है 30 पे, -30 I1 और इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वाले टर्म्स को चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 20 I3 प्लस 30 I1 इक्वल्स टू 20। क्लियर, यहाँ से 10 कॉमन लेके वहाँ पे डिवाइड कर देते, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 I3 प्लस 3 I1 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन बन गया यहाँ सेकेंड। अब दूसरा हमारे पास लूप दे रखा है, ये डी बी सी से स्टार्ट, डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला लूप ले लेता हूँ मैं, ये वाला ऐसे। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। क्लियर, तो लूप ले लेता हूँ मैं, जो लूप मेरा बन रहा है, लूप है यहाँ से डी, डी से देन सी, फिर बी, बी से आ रहा ए पे, ए से जा रहा है जी, फिर एफ, एफ से ई, और ई से वापस डी पे। क्लियर, तो फिर से 20 वोल्ट बैटरी से स्टार्ट करते हैं हम। तो 20 माइनस I3 करंट जा रहा है 20 ओम से, तो 20 I3। फिर आ रहा है हमारा 80 वोल्ट बैटरी प्लस 80, और I2 करंट जा रहा है हमारा 20 ओम से, तो -20 I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कर दिया। फिर से माइनस वाले टर्म्स को इधर ले जाते हैं, इधर बच गया मेरे पास 20 प्लस 20 I3 प्लस 20 I2 इक्वल्स टू 20 प्लस 80। तो ये हो गया मेरे पास 20 I3 प्लस 20 I2 इक्वल्स टू 100। यहाँ से 20 कॉमन लेता हूँ और उधर डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं 20 को कॉमन लेके डिवाइड करूँगा, तो इस तरफ मेरे पास बच जाएगा 5। तो 2 I3 क्लियर,
सॉरी 20 मैंने पूरा कॉमन लिया, आई थ्री प्लस आई टू इक्वल्स टू फाइव। अब पीछे हमें एक इक्वेशन बन रही हमारी आई थ्री और आई टू में, और एक इक्वेशन बन रही हमारी आई थ्री आई वन में, और फिर हमें फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या दे रखी है आई थ्री की वैल्यू। तो मैं पहले सेकंड वाला जो बना इसमें आई थ्री की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वन की थी, और थर्ड इक्वेशन फर्स्ट आई थ्री वैल्यू क्या थी, आई वन प्लस आई टू प्लस आई टू इक्वल्स टू फाइव। तो कितना हो गया ये, आई वन प्लस टू आई टू इक्वल्स टू फाइव। इक्वेशन फोर्थ सेम ऐसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम वैल्यू आई थ्री की, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड बनी हमारे पास टू आई थ्री प्लस थ्री आई टू, टू आई थ्री प्लस थ्री आई टू और इक्वल्स टू क्या है ये टू। वैल्यू पुट कर देते हैं, टू आई वन प्लस आई टू प्लस थ्री आई टू इक्वल्स टू टू। सॉल्व करते हैं, टू आई वन प्लस टू आई टू प्लस थ्री आई टू ऑलरेडी दे रखा है, ये आ गया टू। तो टू आई वन प्लस फाइव आई टू इक्वल्स टू टू, टू आई टू प्लस फाइव आई वन इक्वल्स टू टू, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। तो दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक फोर्थ और एक फाइव, आई वन और आई टू के टर्म में। तो कैसे करें, कैसे करें, कुछ इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो फोर्थ इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एक इक्वेशन आ जाएगी। तो वही करता हूँ मैं, अब इसको मल्टीप्लाई मैं टू से जब करूँगा तो ये आ जाएगी टू आई वन प्लस फोर आई टू इक्वल्स टू टेन। और दूसरी इक्वेशन है टू आई वन प्लस फाइव आई टू और इक्वल्स टू टू। तो इसका हो जाएगा हमारा माइनस कर देते हैं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस कर दिया हमने। माइनस करने के बाद मेरे पास बस रहा है यहाँ पे माइनस आई टू इक्वल्स टू एट, माइनस आई टू इक्वल्स टू एट। इस आई टू की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ किसी इक्वेशन में, आई वन निकालना है तो फोर्थ इक्वेशन में अगर पुट कर देता हूँ तो आई वन प्लस टू इंटू माइनस एट और इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं हम, तो सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन हमारे पास आ रही है कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, हाँ ये रही इस इक्वेशन में छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि आई वन था हमारा, इसको आई वन कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं आई वन, आई वन तो ये हो जाएगा हमारा टू आई वन, ये आई वन था तो ये हमारा फाइव आई वन हो जाएगा और टू आई टू हो जाएगा, इसीलिए ये कट नहीं रहा था हमारा, क्लियर। तो इसको कर देते हैं ठीक थोड़ा सा, अब इसे हमें टू से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको ठीक कर देते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ रही है फाइव आई वन, एक तरफ आ रहा है आई वन प्लस टू आई टू इक्वल्स टू फाइव, दूसरी तरफ इक्वेशन है हमारे पास फाइव आई वन प्लस टू आई टू इक्वल्स टू टू। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ख़त्म। यह आ गया हमारे पास माइनस का फोर आई वन इक्वल्स टू थ्री, तो आई वन इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई फोर। वैल्यू सॉल्व कर देते, वैल्यू आएगी 0.75 एम्पियर। तो हमें करंट जो निकालना था आई वन में निकालना था, तो आई वन में आ गया 0.75 एम्पियर करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर यूज किरचॉफ्स रूल्स टू कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय द रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 4 ओम। क्या कह रहा है, हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसके अलावा हमें बताना है कि इसने कितनी पावर कंज्यूम करी है, क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट की अपने आप से लेट कर लेते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। सपोज़ ये करंट I1 है इस बैटरी से आ रहा है और 6 वोल्ट बैटरी से करंट आ रहा है I2, तो यहाँ जाके क्या होगा इस जंक्शन में, हो जाएगा I1 प्लस I2, क्लियर। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया A B C D E F, कुछ नेमिंग कर दिया हमने ऐसे ही रैंडमली।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किरचॉफ्स लॉ लगाता हूँ, ठीक है, लगाता हूँ मैं किरचॉफ्स का सेकंड रूल, वोल्टेज रूल जिसे कहते हैं। कहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, ये लगा रहा हूँ ए, फिर ए से जा रहे हैं हम बी, बी से डी, डी से सी, सी से ए। तो स्टार्ट करते हैं हम, तो हम 12 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट करते हैं ई1 से। सबसे पहले आएगा मेरा 12, फिर आ रहा है I1, I2 जा रहा है 4 ओम से, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 4। फिर रिटर्न हो गया, ये I1 करंट आ रहा है हमारा R1 रेजिस्टेंस 2 ओम से, तो माइनस 2 I1 इक्वल्स टू 0। तो साइड चेंज कर देते हैं दोनों की, तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 4 प्लस 2 I1 इक्वल्स टू 12। अब इससे आगे अगर करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 I1 प्लस 4 I2 प्लस 2 I1 और इक्वल्स टू 12। 4 ये हो गया 6 I1 प्लस 4 I2 इक्वल्स टू 12। यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ और दो जाकर डिवाइड कर देते हो जाएगा 3 I1 प्लस 2 I2 इक्वल्स टू 6। इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब दूसरा सर्किट लेते हैं। अब दूसरा सर्किट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से ई बी डी एफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब डायरेक्ट दूसरा लूप ले लेता हूँ मैं, और लूप जो है मेरे पास वो है ई बी डी एफ और देन ई। तो ये कुछ ऐसे ले लिया मैंने ऐसे, और पहले वाला लिया था मैंने ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, फिर से बैटरी से स्टार्ट करेंगे हम 6, फिर 4 ओम से जा रहा है हमारा I1 I2, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 4, और फिर आ रहा है हमारा 1 ओम से आ रहा है I2, तो माइनस I2 इंटू 1 और इक्वल्स टू 0, क्लियर। माइनस I2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर से वही माइनस वालों को साइड चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 4 प्लस 1 इंटू I2, I2 इक्वल्स टू 6। सॉल्व कर लेते हैं, 4 I1 प्लस 4 I2 प्लस I2 इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा 4 I1 प्लस 5 I2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, इक्वेशन सेकंड। अब हमें फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो कैसे करें कैसे करें कैसे करें देखते हैं। चलो यहाँ पे 5 I2, यहाँ पे ये है। अगर मैं पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सेकंड इक्वेशन को 3 से, और दोनों को उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा। तो वही करते हैं, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैंने क्या करा है, जो इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से, और इक्वेशन फिर माइनस कर देंगे, सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास 3 I1 थी, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 I1 प्लस फिर 4 था 8 I2, और लास्ट में था हमारे पास था लास्ट में क्या था 6, तो हो गया हमारा 24। ऐसे हमारे पास यहाँ पे 4 होगा 12, 15 और 18, 12 I1 प्लस 15 I2 और लास्ट में है हमारा 18, माइनस माइनस माइनस, ये आ गया माइनस 7 I2, यहाँ बची आपके पास 6, तो I2 की वैल्यू आ गई माइनस 6/7 एम्पियर। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम किस में, क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ मैं 3 I1 प्लस 2, I2 की जगह क्या रख दिया, माइनस 6/7 और इक्वल्स टू हमारे पास 6। सॉल्व करते हैं, आएगा माइनस 12/7, साइड चेंज करूँगा, क्लियर। तो 3 I1 इक्वल्स टू 6, ये माइनस आ गया प्लस 12/7। सॉल्व कर देते हैं इसको, 42 प्लस 12/7,
तो 54/7 3 I1, तो I1 कितना आ गया 54/7, क्लियर। और नीचे आ गया 3, 54 कितने पे जाता है, 3 के टेबल में जाता है ये 18, तो ये बच गया 18/7, I1 आ गया 18/7 एम्पियर। ठीक है, पहला था हमारा 6/7, दूसरा आ गया 18/7, तो दो वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पे हमें करंट निकालना है, ठीक है, सॉरी पावर निकालना है। अब पावर किसके लॉन्ग निकालना है, पावर निकालना है इस 4 ओम रेजिस्टेंस के लॉन्ग, और इसके लॉन्ग जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I1 I2। तो अगला हम कर देते हैं नेक्स्ट, तो पावर कंज्यूम्ड कौन निकाल रहा है, 4 ओम बाय 4 ओम रेजिस्टेंस। फॉर्मूला होता है इसका I2R, जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे I की जगह क्या है हमारा I1 + I2² और R की जगह है हमारा 4। I1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो 18/7, I2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी -6/7 और इसका स्क्वायर 1 2 में 4। इसको सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस 18 यानी 12/7² × 4, तो 12 का स्क्वायर 144, इसका 49, इसका 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 ये था 576 होता है, 49 ये आ जाएगा पावर कंज्यूम। ठीक है, ये आ गया पावर कंज्यूम वाट में। अगर आप पॉइंट में अगर निकालना चाहें डेसिमल में, तो अगर 11.75 करके कुछ आंसर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा हमारा पावर कंज्यूम हमारा निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, यूज़ किरचॉफ्स रूल्स टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी व्हेन नो करंट्स फ्लो इन द आर्म बीई ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो। क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी के बीच में, क्लियर। तो उसके लिए चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ये भी दे रखा है कि इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग करंट की वैल्यू क्या है, 0। तो पहले करंट बना लेते हैं, यहाँ से सपोज आई करंट जा रहा है तो यहाँ से भी कितना जाएगा आई, और यहाँ से भी आई, और इधर जाके आई क्या हो गया 0, तो यहाँ भी आई हो गया और रिटर्न भी आई हो जाएगा, क्लियर। तो हमें निकालना, साथ साथ हम इसमें एक और चीज़ निकालेंगे, जिस क्वेश्चन में गिवन नहीं हम इसमें निकालेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालेंगे, तो दो काम हम यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला लूप ले लेता हूँ, ये वाला, तो हमने ये लूप ले लिया, तो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे, लूप कौन सा लिया मैंने, ए से स्टार्ट किया, एफ ई बी और ए, क्लियर। तो फिर से बैटरी से स्टार्ट करते हैं हम, 6 - 2 ओम रेजिस्टेंस के अलॉन्ग करंट जा रहा है आई, फिर बैटरी कनेक्ट है एक और, प्लस 1, फिर करंट आई करंट जा रहा है 3 ओम के, तो -3 I। अब ई से जो करंट आ रहा है ई पॉइंट से, आई वो 0 है तो हम R1 कंसीडर नहीं करेंगे, 0 हो जाएगा। तो अब हमारा रह गया बैटरी, अब बैटरी का काम हो गया हमारा +3 बैटरी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और लास्ट में आके 0। सबको सॉल्व कर देते हैं, 6 + 7, 7 + 3 9, क्लियर, 7 + 3 10 हो गया, 10 - 5 I = 0, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। ठीक है, I निकल चुका हमारा 2 एम्पियर, यानी इसमें करंट सब में जा रहा है 2 एम्पियर करंट। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस भी मैंने कहा था हम रेजिस्टेंस भी निकालेंगे सबसे, तो मैं बड़े वाला लूप ले लेता हूँ, ये वाला लूप मैं इसको ऐसे कंसिडर करेंगे, क्लियर। तो मैं लूप ले लेता हूँ, लूप में ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, एफ पे जा रहा हूँ, एफ से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी और देन ए। फिर से इस बैटरी से स्टार्ट करते हैं 6 वोल्ट वाली से, तो 6 - 2 I + 1 - 3 I, फिर आ रहा है आपका -IR, लास्ट मार्के प्लस का 4 = 0, 6 + 1 7 + ये आ गया 11,
क्लियर। और साइड चेंज करते हैं, सबके माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो यह पहले कर लेते हैं, 11 माइनस 2i माइनस 3i माइनस 5i माइनस ir और इक्वल्स टू 0। साइड चेंज करेंगे तो 5i प्लस ir और इक्वल्स टू 11। i की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 इंटू 2 प्लस 2r इक्वल्स टू 11, ये आ गया 10, ताकि माइनस हो गया 1, तो 2r इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 1, और r इक्वल्स टू आ गया हमारा 1/2 ओम, तो r तो निकल गया हमारा 1/2 ओम। अब नेक्स्ट हमें जो काम करना है वो करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए एंड डी के बीच में। सपोज़ ये डायरेक्शन है हमारी करंट की, तो यहाँ से ये कनेक्ट है और एक ये, तो ये डायरेक्शन है करंट की। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस वाले लूप के अलोंग लेते हैं हम ए एफ डी के अलोंग, हमें ए एंड डी निकालना है तो निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड डी, और किसके अलोंग जा रहा है, अलोंग जाएगा ए से एफ और एफ से डी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम ए पे मान लेते हैं जो पोटेंशियल है वो है हमारा वी ए, और इस पे मान लेते हैं वी डी। तो सॉल्व करते हैं, तो वी ए फिर से माइनस होगा वही 2i, फिर वो प्लस 1 और माइनस का 3i और लास्ट में जाके माइनस का वी डी प्लस टू 0। साइन कन्वेंशन ले रही है माइनस वी डी, तो वी ए और माइनस वी डी यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2i माइनस आई प्लस 3i, या 5 माइनस एक 4, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 4i। ये तो 1 था इसकी वैल्यू, ये i नहीं है, ये 1 होगा, क्लियर। तो ये हमारा है 1, तो ये हो गया हमारा 5i और माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। i की वैल्यू हमने 2 निकाल ली थी, माइनस 1, तो ये आ गया 9 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल गया हमारा ए और डी के बीच में, वो आएगा 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, द नेटवर्क पी क्यू आर एज शोन इन द सर्किट डायग्राम हैज द बैटरीज 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस अ मिली एमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन पी एंड आर, कैलकुलेट द रीडिंग इन द मिली एमीटर। क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है, इसमें एक 4 वोल्ट की बैटरी और एक 5 वोल्ट की बैटरी है जिनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस इनका 0 है। उसके बाद एक 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है किसी मिली एमीटर से, तो हमें क्या निकालना है, हमें इस मिली एमीटर में करंट की वैल्यू निकालनी है। मिली एमीटर मीन्स करंट, तो सबसे पहले हम इसमें करंट बना लेते हैं। तो करंट सपोज इससे जा रहा है करंट I1, तो I1 यहाँ जाके चला गया I2, तो यहाँ मान लेते हैं I3, यहाँ तो जंक्शन बन गया, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, तो पहले जंक्शन रूल ही लिख लेता हूँ, किरचॉफ्स का हम जंक्शन रूल लगाते हैं, यहाँ जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्लियर। अब हम यहाँ पे दो सर्किट हैं, दो लूप बन रहे हैं, दो लूप को हम, पहले वाले लूप को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे वाले को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो पहले वाला सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, लूप लिख देते हैं, कौन सा लूप है, इन लूप पी से आर पे जा रहे हैं, आर से एस, आर देन पी। स्टार्ट करते हैं हम, पहले हम पी और आर के बीच में ही स्टार्ट करते हैं, तो माइनस 20 I3 माइनस 200 I2 और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो साइड चेंज करते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये बच जाए हमारे पास 20 I3 प्लस 200 I2 और इक्वल्स टू 5। यहाँ से क्या 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा 4 I3 40 I2 और इक्वल्स टू 1, यहाँ जाके मैंने डिवाइड कर दिया, क्लियर। अब मैं इसमें I3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, वो क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस
प्लस 40i2 इक्वल्स टू 1, दिया गया 4i1 प्लस 4i2 प्लस 40i2 इक्वल्स टू 1, तो हो गया 4i1 प्लस 44i2 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन बन गई ये फर्स्ट। तो अब ऐसे ही हम दूसरा लूप ले लेते हैं। लूप में ये वाला मैंने पहले बता दिया था, पी से आर, आर से क्यू एंड फिर देन पी। तो लूप मैंने ले लिया पी से आर, आर से क्यू फिर पी। स्टार्ट करते हैं पहले भाई 20i3, क्लियर। ये 60 के अलोंग आ रहा है हमारा i1 करंट, ये रहा, तो इसके अलोंग भी क्या होगा हमारा i1, तो 60i1 हो जाएगा और एक हो गया हमारा 4 वोल्ट। तो वही कर देते हैं हम माइनस, ठीक है, 20i1 माइनस 60i1 और प्लस वोल्ट थी हमारी 4 इक्वल्स टू 0। फिर से साइड चेंज कर देते हैं इनकी, ये था सॉरी i3 था, साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 20i3 प्लस 60i1 इक्वल्स टू 4। अब इसमें से भी हम चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लूँगा तो मैं क्या आएगा 5i3 15i1 और इधर बच गया 1। अब i3 की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, i1 प्लस i2 15i1 इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते हैं 5i1 प्लस 5i2 प्लस 15i1 इक्वल्स टू 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5, ये आ गया 20i1 प्लस 5i2 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास 4i1, ये आ रहा है 5i1। अब क्या करें इसको, इसको करते हैं हम सॉल्व। तो सॉल्व कैसे होगा, एक ही तरीका है, या तो दोनों को 20 कर दो, इस 4 को भी 20 कर देते कहते हैं। तो इसको 20 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर देता हूँ मैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट जो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 5 210 और 5 5i1 और 5 से हो गया यानी 20i1 प्लस 220i2 और लास्ट में आ जाएगा 5। और ये वाली इक्वेशन है हमारे पास 20i1 प्लस 5i2 और प्लस 1, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो हो गया कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 215i2, तो ये कितना आ गया 4। तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 अपॉन 215 एम्पियर, और हमें किस में निकालना है मिली एम, एमीटर बोला है तो मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, तो 215 मिली एम। अब i2 निकल गया, i2 को सब्सिट्यूट करते हैं हम तो हमारा i1 निकल जाएगा। किस इक्वेशन पुट करें, इक्वेशन छोटी कौन सी लग रही है, सॉरी ये क्वेश्चन सेकंड थी हमारी, ये थर्ड थी, कोई बात नहीं वो आप समझ जाओगे, सेकंड एंड थर्ड, और मैंने यहाँ पे सेकंड बोल, आप इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं या थर्ड में पुट करते हैं मर्जी आपके, जो आपको ईजी लगे उसमें आप कर दीजिए, मैं सेकंड में थर्ड में कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड में ये 5 का मल्टीपल आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड के हमारे पास 20i1 प्लस 5, ये वैल्यू आई है 4 अपॉन 215 और इक्वल टू 1 43। इधर जाके सॉल्व कर देते हैं 20i1 1 माइनस 4 बाय 43, तो कितना आएगा 43 माइनस 4 यानी 39 बाय 43। और इसका 20 मैं इधर ले आता हूँ तो ये बच गया मेरे पास ओनली i1, तो कितना गया 39 अपॉन में 860 एमीटर, एमीटर आ गया, तो मिली एमीटर में क्या आएगा 39 फिर से 860, चाहो तो 0 0 काट सकते हैं। i1 निकल गया, i2 निकल गया, तो अब निकाल देते हैं हम i3, ये था हमारा i1 प्लस i2, ये आ रहा है 4 अपॉन में 215, ये है हमारा 39 अपॉन में 807, ठीक है, उल्टा वैल्यू पुट कर देगा, कोई बात नहीं दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड तो करना ही आएगा हमारा 11 अपॉन में, और सॉल्व करके आएगा ये 172, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 0 से तो मिली एमीटर, तीनों करंट हमारे निकल गए। तो मैं करंट निकालना था इसमें,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द नो रेजिस्टेंस आर और सेकंड द करंट आई टू इन द आर्म। तो ये हमारे पास एक सर्किट दे रखी है आर्म ई एफ, हमें बोला हुआ है एक सर्किट है हमारे पास, हमें सबसे पहले इस आर के लोगों क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा वो निकालना है और दूसरा इस आई टू की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ई एक जंक्शन का काम कर रहा पॉइंट ही, यहाँ से आई टू आ रहा है करंट, यहाँ से 0.5 आ रहा है, इधर हम लेट कर लेते हैं कि आई करंट है। क्लियर, ये आई करंट है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जंक्शन रूल क्या लग जाएगा, तो मैं किरचॉफ का जंक्शन रूल अप्लाई कर देता हूँ। वो क्या होगा, वो आई जो होगा वो होगा आई टू और 0.5 जो आ रहा है इसके बराबर। क्लियर। चलिए मैं नेक्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या करें क्या करें, हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, हम इसमें लूप में लगा सकते हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ से लूप अप्लाई कर रहा हूँ, ए से जाऊँगा बी, बी से एफ, क्योंकि बड़ी बैटरी मेरी 4 वोल्ट की है, तो मैं कुछ ऐसे इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल या सेकंड रूल जिसे कहते हैं, और लूप ले रहा हूँ मैं ए से बी, बी से एफ, एफ से फिर ई और फिर देन स्टार्ट करते हैं, हम 4 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आएगा हमारा 4, करंट आ रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी साइन कन्वेंशन का 0.5 और रेजिस्टेंस है हमारा 2, फिर हमारा आ रहा वोल्ट बैटरी है, साइन कन्वेंशन हमारा बैटरी लेकिन माइनस में, और फिर हमारा करंट आई टू आ रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस जो कि हमारा -2i2=0। को सॉल्व करें, 4 - 3 1 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 - 2i2, तो -2i2=, बच गया -2, तो i2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। i2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, नहीं सेकंड पार्ट हमारा पहले निकल गया, तो i2 की वैल्यू तो निकल गई। अब दूसरा काम करना हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है रेजिस्टेंस आर। अब रेजिस्टेंस आर जो है इन दोनों सर्किट्स के पैरेलल है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अलोंग होगा वो सर्किट ए बी के वही ई एफ के अलोंग भी होगा और वही आर के अलोंग भी होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो वही मैं कर देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस ए बी वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई एफ और वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। क्यों, क्योंकि आर जो है पैरेलल है किसके साथ, इन दोनों आर्म के साथ, यहाँ पे 2 आर्म है, आर्म ए बी एंड ई एफ। क्लियर। स्टार्ट करते हैं, किसी के लिए भी निकाल लो आप, मर्जी यही है कि हम किसी के लिए भी सॉल्व कर देते हैं, हम ऊपर वाले के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं ए बी के लिए, तो क्या होगा 3 - 0.5 × 2 कितना आ गया 3 - 1 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल हमारा निकलेगा 2 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ नॉन रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है हमारा, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, हमें किरचॉफ्स रूल अप्लाई करना है। क्लियर। और हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट, देन पॉइंट ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आई स्टार्ट करते हैं, करंट इसमें सपोज आई करंट जा रहा है, तो यहाँ भी कितना जाएगा आई और इसमें भी आई, इसमें कितना होगा, इसमें बोला कि इसके अंदर इस आर्म में कोई करंट नहीं है तो आई ज़ीरो, तो यहाँ चला गया आई, इसका लॉन्ग भी आई और वापस पे आ जाएगा हमारा आई। तो स्टार्ट करते हैं हम एक ही करके, सबसे पहले मैं ये वाला लूप ले लेता हूँ, ये वाला, तो इस लूप में स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं।
इसका सेकंड रूल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लूप कंसीडर कर लेता हूँ मैं। लूप मेरा है बी से ए, ए से एफ, एफ से ई, ई से देन बी। क्लियर। 9 वोल्ट बैटरी से स्टार्ट करते हैं। 9 1 I into 1, फिर से माइनस आई इंटू 1 0, फिर हमारे यहाँ आ रही है एक 6 वोल्ट की बैटरी, इसके लॉन्ग आ रही है। अब 6 वोल्ट की बैटरी का हम क्या करेंगे, ये हमारी आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में है इसकी, इसके अरेंजमेंट का अकॉर्डिंग तो आ गया -6 और इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 6 आ गया 3, ये आ गया 2i = 0, तो -2i = -3, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2 और 1.5 एम्पियर, तो i की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल दी। क्लियर। अब हम लेते हैं ये बड़े वाला लूप, ये वाला लूप, इसमें स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मैं ए, ए से एफ, एफ से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी और फिर ए। स्टार्ट करें 9 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर से 9 माइनस i into 1, तो i आ गया, फिर i into 1 1, फिर i into r i r, और फिर हमारा आ रहा 3 वोल्ट की बैटरी, तो -3 = 0, ये हो गया 6 - 2i - i r = 0। साइड चेंज कर देते हैं, 2i + i r = 6। क्लियर। इसकी तरह कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। आई की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2, इट मीन 1.5, तो 2 into 1.5। ठीक है, या और इजी करते हैं इसको, थोड़ा और इजी करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, उससे थोड़ा और इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। आई मैं कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास जाएगा 2 + r और i = 6। 2 + r, आई की वैल्यू है 3/2 और = 6। 2 + r, 6 × 2/3, 4 आ गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 2, रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास यहाँ 2 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो निकल गई। मैं अब हमें बोला पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस ए एंड डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लें करंट की वैल्यू जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं ये वाला हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और ये वाला पोटेंशियल हो जाएगा हमारा नेगेटिव, तो इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो किसके लोग निकालना है हमें, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड डी, तो कैसे होगा, वी से स्टार्ट करा था मैंने, बोला था 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो 1 × i, फिर 1 ओम रेजिस्टेंस 1 × i, और लास्ट में हमारा डी, तो वी डी इक्वल्स टू 0, ये हो गया वी ए माइनस वी डी और इक्वल्स टू हो गया ये 2i। इस तरफ जाके i की वैल्यू हमें दे रखी है 3/2, हमने निकाल चुके हैं, ये आ गया 3, तो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया हमारे वी ए माइनस वी डी 3 वोल्ट। तो ये तो दो चीज़ें हमें निकालनी थी, निकल चुकी हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्किट शोन R1 = 4 ओम, R2 R3 = 15, R4 = 30 ओम एंड E = 10 वोल्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन द ईच सर्किट। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें हमें क्या एक सर्किट दे रखी है, इस सर्किट में R1 की कुछ वैल्यू है हमें यहाँ पे दे रखी है 4 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमें 15 ओम, R3 की वैल्यू दे रखी है हमें 15 ओम। क्लियर। और उसके बाद हमें दे रखा है R4 की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 30 ओम, और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट। क्लियर। तो हमें इसके अलावा एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद उसमें हमें निकालना है करंट निकालना है इस सर्किट। तो हम पहले इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी, करंट हमें साफ दिख रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए ये I1 करंट आ रहा है, ये I1 करंट यहाँ से I2 में बदल रहा है, यहाँ से I3 और I4, इट मीन्स क्या ये जंक्शंस हो गए, तो इस जंक्शन के अकॉर्डिंग I2 I4 और I3 ये किस में आ गए हमारे, जो हमारे ये R2 R3 और R4 रेजिस्टेंस होंगे ये पैरेलल कनेक्शन में आ गए, तो वही कर देता हूँ R2 R3 R4 RN पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/RP = 1/R2 + 1/
प्लस वन बाय आर फोर। सब की वैल्यू पुट करता हूँ, आर टू 15 15 और ये है 30, एलसीएम तो आ गया इनका 30, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 5 बाय ये आ गया 1/r। तो आर पी कितना आ गया, 30/5 इट मीन 6 ओम। अब ये आर वन जो हो गया इसी आर पी के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो नाउ आर वन एंड आर पी आर इन सीरीज, तो इससे आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर वन प्लस आर पी, आर वन हमें दे रखा 4, ये निकला 6, तो आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 10 ओम। तो एक फर्स्ट पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब हमें करंट निकालना हर रेजिस्टेंस के अलोंग, तो अब इसके लिए हमें फील्ड अब लगाना पड़ेगा यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ। तो कैसे लगाएं कैसे लगाएं कैसे लगाएं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ले लेता हूँ एक बार ये वाला लूप ले लेता हूँ ए डी बी, और दूसरे केस में लूप ले लेता हूँ मैं बी से डी और डी से सी, यानी ये वाला। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले लूप ले लिया ए डी बी, ए ए से डी और डी से बी। स्टार्ट करते हैं हम, ए से डी कोई करंट नहीं है, लेकिन डी से बी आ रहा है आई फोर, आ रहा आर फोर के लॉन्ग, तो इसका अकॉर्डिंग हम कर देते हैं, तो माइनस आई फोर इंटू आर फोर, और फिर वहाँ से जा रहा है हमारा आई टू और आर थ्री में, और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो प्लस आई टू इंटू आर टू और इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर, इनकी वैल्यू हमें पता है, आई फोर नहीं पता, आर फोर पता 30। क्लियर, तो माइनस 30 आई फोर प्लस इसकी वैल्यू 15 आई टू और इक्वल्स टू ज़ीरो, साइड चेंज करेंगे तो 15 आई टू इक्वल्स टू 30 आई फोर टू, तो आई टू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई फोर, तो इससे आई फोर आ जाएगा आई टू का हाफ। इस क्वेश्चन को फर्स्ट मान लेता हूँ। अब सेम मैं लगा देता हूँ दूसरे लूप में, लूप ले लिया मैंने इस बार ये वाला बी से डी और डी से सी, बी डी सी बी डी सी, तो फिर से आई फोर आर फोर इस बार अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो माइनस आई थ्री और आर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर, अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ये फिर से 30 आर की वैल्यू थी, तो 30 आई फोर इसकी वैल्यू थी 15 आई थ्री और इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये आ गया 15 आई थ्री इक्वल्स टू 30 आई फोर। क्लियर, तो फिर आई फोर ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो आई फोर की वैल्यू आ गई यहाँ से 11, हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि आई फोर जो है वो आई टू बाई टू है और साथ साथ आई थ्री बाई टू है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि आई टू और आई थ्री के अंदर करंट की वैल्यू सेम होगी, हो गया। अब साथ साथ एक जंक्शन रूल भी इसमें अप्लाई हो रहा है हमारा, हमारा जो आई वन है ये डिवाइड हो रहा है आई टू में, आई थ्री और आई फोर में, तो कर देते हम यहाँ अप्लाई कर देते हम अप्लाइंग किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो रूल के अकॉर्डिंग होगा आई वन जो है वो तीन डिफरेंट करंट्स में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ किसकी, जो आई वन निकाला है, आई टू निकाला है और आई फोर निकाला है। क्लियर, तो इसको तो मैंने आई टू छोड़ दिया, आई थ्री आई टू के बराबर है और आई फोर जो है आई टू का हाफ है, कितना आ गया 2, ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ आई टू, आई वन इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ आई टू। अब इस इक्वेशन को हम पुट करते हैं, कहाँ पुट करें, कहीं तो पुट करना पड़ेगा, तभी जाके स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। इस इक्वेशन को पीछे कोई इक्वेशन बनी है, नहीं बनी अभी, अब हमें एक और लूप लेते हैं यहाँ पे,
अब एक ही लूप बचा है हमारे पास, तो इस लूप को भी हम कर लेते हैं, ये वाला लूप, ये वाला लूप लेते हैं हम। तो अब लगाते हैं इसके अंदर फिर से, लो क्लियर। तो कौन सा लूप लिया मैंने, इन लूप ए से गया बी और बी से ई वाले में, ए से बी और बी से ई की तरफ। तो क्या होगा, ये माइनस आई टू आर टू, क्लियर, माइनस आई वन आर वन और साथ साथ प्लस ई टू। तो माइनस आई टू आर टू प्लस ई टू माइनस आई वन आर वन और इक्वल्स टू ज़ीरो। ई वन की वैल्यू हमें गिवन है, तो माइनस आई टू आर टू, ये वैल्यू हमारे पास है कितनी गिवन है, ये प्लस की 10 गिवन है, और ये माइनस आई वन आर वन इक्वल्स टू ज़ीरो। साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू इक्वल्स टू आ गया हमारा 10। यहाँ से हमारी आई वन की वैल्यू निकली, इसको पुट कर देते हैं हम, क्लियर, और साथ साथ आर की वैल्यूज भी पुट कर देते हैं हम। आई वन की वैल्यू 5/2 आई टू, आर वन की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर वन कितना गिवन है हमें, आर वन गिवन है 4 × 4। आई टू को मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, और आर टू की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, आर टू की वैल्यू है मेरे पास 15 और इक्वल्स टू 10 2। ये हो गया 10 I2 + 15 I2 और इक्वल्स टू 10, कितना हो गया ये 25 I2 और इक्वल्स टू 10। तो I2 की वैल्यू तो यहाँ से मिल गया मैं 10/25, 5/2 और 2/5 एम्पियर आ गया I2 की वैल्यू। I2 आ गया तो अब हमारा सारा आ जाएगा, सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी, बिकॉज I2 से ही हमारा सारा रिलेशन है। I3 जो है वो I2 के इक्वल था, तो ये भी आ गया 2/5। I4 जो था वो I2 का हाफ था, तो ये कितनी आ जाएगी 2/5 और × 2 1/5, और I1 जो था वो इन तीनों के सम के बराबर था 2/5, 2/5 प्लस 1/5, तो कितना आ गया 5/5, इट मीन्स 1 एम्पियर। तो I1 हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 1 एम्पियर। तो सारी वैल्यू निकल गई हमारी, तो हमें करंट निकालना था, तो करंट हमारा निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, स्टेट किरचॉफ्स रूल, अप्लाई किरचॉफ्स रूल्स टू द लूप ए सी बी पी ए एंड ए सी बी क्यू ए टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट आई वन आई टू आई थ्री इन द नेटवर्क। क्वेश्चन है, पहले तो हमें स्टेट रूल हमें ये बताना है कि किरचॉफ्स रूल क्या होता है। ये तो हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन इसको तो हम स्किप कर देते हैं। हमें पता है कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट और सम ऑफ वोल्टेज एंड सर्किट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमें नहीं करना है, हमारा मेन मोटिव है इसमें ये क्वेश्चन जो दे रखा है उसको सॉल्व करना। क्या कह रहा है इसमें, एक हमें एक लूप दे रखा है, तो इसके अंदर हमें करंट के इक्वेशन बना रही है, देन उनके हम वैल्यू भी निकालेंगे यहाँ पे, साथ साथ सिर्फ वैल्यू भी निकालेंगे, सिर्फ इक्वेशन बना के नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसके अंदर ये ई1 बैटरी से, जो ई1 है इस बैटरी से I1 करंट जा रहा है ए पॉइंट की तरफ, और ई2 से I2 जा रहा है। तो इस साइड भी ये E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और I1 की हो जाएगी ये I2, और I1 की डायरेक्शन कर देते हैं। तो हमें अपने लूप बोल रहा हुआ है कि इस लूप में सॉल्व करना है, एक तो लूप लेना है हमें ए क्यू बी पी ए और दूसरा ए सी बी पी ए, ए सी बी क्यू ए ले लो या पी ए कोई भी आप ले लो। तो हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हमें, और ये जो I3 करंट है, एक और चीज़, ये जो I3 करंट है ये कहाँ से आ रहा है, I1 और I2 की तरफ से आ रहा है। तो एक तो यहाँ पे मिल गया हमें जंक्शन रूल, यानी पॉइंट ए पे जंक्शन बन गया है। तो पहले मैं वही लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले किरचॉफ्स का जंक्शन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होगा, जो I3 आ रहा है वो हमारा I1 और I2 के सम के बराबर, तो इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट करते थे। अब हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, या उसको सेकंड रूल भी कर सकते हैं। लूप
लूप ले रहा हूँ मैं यहाँ से ए क्यू बी पी ए से क्यू, क्यू से बी। स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईवन से, स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले ईवन, फिर क्या होगा माइनस, करंट है आई वन और मल्टीप्लाई में हो रहा है 0.5 ओम रेजिस्टेंस। फिर आई टू हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हम जा रहे हैं ए से क्यू और करंट आ रहा है क्यू टू ए, तो प्लस आई टू और इसके अलॉन्ग रेजिस्टेंस है वन, तो वन। और ई टू की डायरेक्शन उल्टी है तो प्लस, उल्टी है ना, तो इसको करते हैं प्लस की जगह हो जाएगा ये हमारा माइनस, तो माइनस ई टू और इक्वल्स टू ज़ीरो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ई वन माइनस ई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0.5 आई वन माइनस आई टू। अब ई वन और ई टू की वैल्यू हमें गिवन है, ई वन हमें कितना दे रखा है 6, ये दे रखा है माइनस का, माइनस कर दे और ये दे रखा है 10, 0.5 आई वन माइनस आई टू। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 0.5 आई वन माइनस आई टू और इक्वल्स टू आ गया हमारे पास माइनस का 4। क्लियर, तो इक्वेशन ये मिल गया हमारे पास सेकेंड, फर्स्ट फर्स्ट वन आ चुके हैं ना, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब दूसरा लूप ले लेता हूँ मैं, ए से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्लियर, सी पे जा रहा हूँ, सी से देन बी, बी से पी, पी से ए। तो इसमें भी वही रूल लगाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। फिर से ईवन से स्टार्ट करते हैं हम, ए से सी, तो ईवन से स्टार्ट करूँगा तो ईवन माइनस 0.5 आई वन, फिर ये आई थ्री जा रहा है आर रेजिस्टेंस की तरफ माइनस 12 आई थ्री, क्लियर, और 12 आई थ्री लौट के फिर से वो 6 आ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा 0, क्लियर, यहाँ तक हो गया 0। अब ईवन की वैल्यू हम पुट करते हैं, यहीं पुट कर देता हूँ, उसके बाद ईजी हो जाएगा थोड़ा, 6 0.5 आई वन और आई थ्री की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, आई वन प्लस आई टू। तो इक्वेशन क्या बनती है, 6 माइनस 0.5 आई वन, तो हमारे पास था यहाँ पे क्या था माइनस का 12, तो हो जाएगा माइनस 12 आई वन माइनस 12 आई टू और इक्वल्स टू 0। तो माइनस को एक तरफ कर देते प्लस एक तरफ, तो हो गया 0.5 आई वन प्लस 12 आई वन प्लस 12 आई टू और इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो आ गया 12.5 आई वन प्लस 12 आई टू इक्वल्स टू 0, इक्वेशन बन गई थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो कैसे होगा सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने के लिए, आई टू को अगर मेरे को मुझे क्या करना पड़ेगा, आई टू इक्वल कर देता हूँ एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो मुझे इस आई टू को आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ये जो आई टू आ रहा है इसको मुझे 12 से मल्टीप्लाई कर देना इस पूरी इक्वेशन को, तो वही करते हैं हम। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 एंड इक्वेशन थर्ड, तो मल्टीप्लाई करूँगा 0.5 से हो जाएगा 6, ये आ गया हमारा 6 आई वन, यहाँ जाएगा 12 आई टू और यहाँ पे आ गया माइनस का 48। इस इक्वेशन का जटीज रख देता हूँ, 12.5 आई वन प्लस 12 आई टू और इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 था 6, ये 6 यहाँ आ गया 6। सॉल्व करते हैं, माइनस कुछ करने जाते हैं, ऐड ही कर देते हैं ख़त्म, ये बच गया यहाँ माइनस का 42, यहाँ आ गया 6 18.5 आई वन। तो यहाँ से आई वन को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ माइनस 42 अपॉन में 18.5, इसको सॉल्व कर दूंगा तो 10, ठीक है, 5 के टेबल में 2 37, तो माइनस 84 अपॉन में 37 आ गया आई वन, तो आई वन तो आ गया। अब इस इक्वेशन से हम आई टू निकाल सकते हैं, आई वन को कहाँ पुट करेंगे कि आई टू आ जाएगा, तो आई वन को कहीं भी पुट कर देते हैं हम, पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, इजी हो जाएगा। तो इक्वेशन इक्वेशन
सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.5 इंटू माइनस 84 अपन में 37 और माइनस आई टू इक्वल्स टू है माइनस का 4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई टू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 106 अपॉन में 37 एम्पियर, और आई थ्री हमें पता है वो हमारा आई वन और प्लस आई टू है, आई वन हमारा निकल चुका है, आई वन आया माइनस 84 अपॉन में 37, ये प्लस 106 अपॉन में 37 माइनस करके आ जाएगा ये, तो आई थ्री आ जाएगा हमारे पास माइनस का 22/7 क्या गया 22/7 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा, टू पॉइंट्स ए एंड बी आर मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 वोल्ट, अ थर्ड पॉइंट इज कनेक्टेड टू ए बाय टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 एंड 200 ओम इन पैरेलल एंड टू बी बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 300, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एंड बिटवीन सी एंड बी। क्या कह रहा है, दो पॉइंट हैं तो दो पॉइंट लेट कर लेते हैं हमारे पास, पॉइंट ए और पॉइंट बी, क्लियर। इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है, इसको मेंटेन किया हुआ 110 वोल्ट पर 110 वोल्ट। फिर क्या कह रहा है, एक थर्ड पॉइंट लिया है जिसका एक थर्ड पॉइंट ए से एक और पॉइंट लिया हमने कोई थर्ड पॉइंट, तो ए से दो रेजिस्टेंस ले रखे हैं इस थर्ड पॉइंट के बीच में, ए दो रेजिस्टेंस 100 और 200 वोल्ट जो कि पैरेलल हैं। हम मान लेते कोई भी थर्ड पॉइंट ये मान लिया हमने सी, तो दो पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, एक ऐसे ले लेता हूँ और एक ऐसे ले लेता हूँ, क्लियर। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट सी से कनेक्टेड है, तो इसको मैंने मान लिया 100 ओम, इसको 200 ओम, क्लियर। फिर कह रहा है, फिर बी से एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट है 300 ओम का, इस थर्ड पॉइंट से एक रेजिस्टेंस 300 ओम का वो बी से कनेक्ट है 300 ओम का, तो इस केस में हमें बताना हर रेजिस्टेंस का लॉन्ग करंट कितना जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए और सी के बीच में और दूसरा बी एंड सी के बीच में। तो सपोज हम मान लेते हैं करंट यहाँ से जा रहा है आई, क्लियर। तो यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा आई वन, अगर आई में से आई वन चला गया तो यहाँ बच गया आई माइनस आई वन, यहाँ पे तो फिर से आई आ गया, यहाँ आई है तो यहाँ भी आई और वापस भी आई आएगा, ये तो हो गया। अब इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं, सी हो गया इसको लेता हूँ डी, इसको ई, इस पॉइंट को एफ, क्लियर। या और इजी कर देते हैं इसको, ज़्यादा नेमिंग नहीं करते हैं इसकी, तो इसको कर देते हैं डी हो गया, ये हो गया ई, क्लियर। तो ये हो गया हमारा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा इस नेमिंग से, फिर गायब हमें ये लूप सॉल्व करने के लिए तो लेना पड़ेगा ई एफ, इसको ले लिया मैंने जी और एच, और ये पॉइंट हो गया हमारा आई, क्लियर। ये नेमिंग हो गए हमारे। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले यहाँ से हमारा करंट जा रहा है आई, तो मैं ये छोटे वाला जो लूप बन रहा है, ये वाला लूप, इस वाले लूप को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, सेकंड रूल लगा देता हूँ। लूप कौन सा ले रहा हूँ मैं, लूप ले रहा हूँ डी से शुरू करके ई पे जा रहा, फिर एफ, एफ से आ रहा जी, जी से फिर एच और एच से आई आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आई वन करंट जा रहा है 100 ओम में, तो ये हो गया माइनस 100 आई वन, क्लियर। फिर 100 आई वन के बाद फिर रिटर्न करके आ रहा है ये 200 में, आई माइनस आई वन जा रहा है और हम उसके अगेंस्ट ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारी यहाँ पर आ गया प्लस 200, तो i माइनस आई वन और इक्वल टू हो गया 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, 100 i1 वन प्लस 200 i माइनस 200 i1 और इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास 200 i माइनस 300 i1 और इक्वल टू 0।
यहाँ से 100 कॉमन लेके तो जाके डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 2i-3i1 और इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास एक और लूप बचा है। अगर मैं इस लूप को सॉल्व कर दूँ तो ऐसे ए से डी, डी से आई, आई से जे, आई से एच, एच से जी, जी से फिर सी, सी से बी, बी से देन ए। नेमिंग बड़ी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं ए डी आई, तो वो फिर से लूप ले लेता हूँ मैं। इन लूप ए से गए डी, डी से जा रहे हम आई, आई से था हमारा एच, एच से जी, जी से सी, सी से बी और फिर ए। अब इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले i-i1 जा रहा 200 ओम के लॉन्ग, तो माइनस 200 i-i1, क्लियर। फिर 300 ओम के लॉन्ग जा रहा है i, तो माइनस 300 i, क्लियर। और बैटरी हमारी दूसरी बैटरी कनेक्ट है हमारी प्लस 110, जो कि हो जाएगा 0 के इक्वल। इसकी साइड चेंज कर देंगे तो क्या आएगा, ये सब पॉजिटिव में हो गया, क्लियर। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हो गया, सारा पॉजिटिव हो गया। ये हो गया हमारा 200i-i1 300i और इक्वल्स टू 110। सॉल्व कर देते इसको, 200i-i1 300i और इक्वल्स टू 110। ये हो गया 500i-200i1 इक्वल्स टू 110। इसमें से भी हम क्या करते हैं 100 कॉमन लेके तो डिवाइड कर देते, बच गया 5i-2i1 इक्वल्स टू 100, 11/10। क्वेश्चन सेकंड, अब सॉल्व कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो कुछ इक्वल आ रहा फर्स्ट एंड सेकंड में, कुछ इक्वल नहीं आ रहा। अगर मैं किसी एक क्वेश्चन को, एक को 2 से और एक को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट में जो है -3 आई है, सेकंड में -2 आई है, और इनको फिर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, क्लियर। एक मिनट उल्टा हो गया। फर्स्ट को कर देते हैं 2 से और सेकंड को कर देते हैं 3 से। फर्स्ट को जब 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन बनेगी, कुछ क्या थी, 2 थी ना, तो 4i-6i1 और इक्वल्स टू आ रहा था हमारा 0, तो इक्वेशन आ गई 0। दूसरी है, इसको 3 से करेंगे तो 15i-6i1 और इक्वल्स टू 33/10। माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये कट गया, ये बच गया, तो ये हो गया हमारे पास -11। 15 में से 4 गया तो -11, यहाँ बच गया -33/10। तो i की वैल्यू आ गई 3/10 एम्पियर, 3/10 एम्पियर, क्लियर। अब हमें i1 तो निकल गया, i निकल गया, इसी से हम सॉल्व कर लेंगे किसी इक्वेशन पुट करके i1। तो i1 पुट कर लेते हम, 2i-3i1 इक्वेशन थी हमारी 0, i आ रहा है हमारा 3/10 -3i1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से i1 की वैल्यू आ गई 1/5 एम्पियर। i1 आ गया, i आ गया। अब हमें क्या बोला था, हमें करंट निकालना है हर रेजिस्टेंस के अलोंग। तो 100 ओम के अलोंग कितना जा रहा है, अक्रॉस जा रहा है i1, इसके जा रहा है i-i1 और उसके अलोंग जा रहा है i, तो बस काम ख़त्म। तो पहले मैं निकालता हूँ करंट थ्रू 100 ओम, तो i1 जा रहा था वो है 1/5 एम्पियर। ऐसे ही मैं निकाल देता हूँ 200 ओम, तो ये जा रहा है i-i1 जो कि आ जाएगा 3/10 और -1/5, तो सॉल्व करूँगा तो जाएगा 1/10, ऐसे जाएगा
300 ओम के अलोंग जा रहा था आई, तो ये था हमारा 3/10 एम्पीयर, तो ये तो निकल गया करंट। अब तीस नेक्स्ट क्या बोला हमें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए एंड सी और बी सी एंड बी, ए एंड सी के बीच में, तो किसी के वैल्यू निकाल लेते हैं। ए एंड सी तो दोनों पैरेलल में तो सेम होगा, 100 यूज़ करके या ये यूज़ करके, और सी एंड बी में 300, और करंट जा रहा आई, तो वही करते हैं हम। ए एंड सी और सी एंड बी के बीच में हम निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी तो क्या हो जाएगा, आई वन आर, जनरल फार्मूला ये होता है, आई वन कितना आया था 1/5, आई है 100, तो ये आ गया 20 वोल्ट। ऐसे निकालता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी, या सी एंड बी, सी एंड बी बोला तो सी एंड बी, तो इसके अलोंग करंट जा रहा था आई, रेजिस्टेंस था हमारा 300, आई करंट की वैल्यू आई थी 3/10, 300, तो ये आ गया हमारा 94। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, टू स्क्वायर्स ए बी सी डी एंड बी ई एफ सी हैव द साइड बी सी इन कॉमन, द साइड्स आर ऑफ कंडक्टिंग वायर विद रेजिस्टेंस एज फॉलो, ए बी बी ई एफ सी सी डी ईच 2 ओम, ए डी बी सी ई एफ ईच 1 ओम, अ सेल ऑफ 2 वोल्ट ई एम एफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज जॉइंट अक्रॉस ए डी, फाइंड द करंट इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, दो हमारे स्क्वायर बोला है, तो हम पहले स्क्वायर ही बनाएंगे, उसमें बाद में कंडक्टिंग वायर में जो भी रेजिस्टेंस होगा उसमें देख लेंगे, क्लियर। तो हमारे पास दो स्क्वायर हैं यहाँ, जिसमें बी सी क्या है हमारी कॉमन है, तो इसको हम बी मान लेते हैं, ए सी इसको कॉमन कर लेते हैं, दूसरा स्क्वायर हो गया हमारा ये, तो ए बी सी डी, दूसरा है हमारा बी ई एफ सी, तो बी ई एफ सी बन गया। तो अब ए बी ये सारी बने कंडक्टिंग वायर, ए बी बी ई एफ सी और सी डी में 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो अब इसमें करते हैं हम रेजिस्टेंस का काम, ए बी ई सी एफ यानी एफ सी और सी डी, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 2 ओम और 2 ओम। फिर बोला है इसमें कि जो ए डी बी सी, ये हो गया ए डी बी सी और ई एफ, 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम। लास्ट में क्या बोला है कि 2 वोल्ट ई एम एफ इंटर ऐसे 2 ओम को ए डी के अक्रॉस जॉइन कर दिया है, क्लियर। तो ये कर देता हम ए डी के अक्रॉस, तो एफ तक हो गया, इसको जी मान लेते हैं, इसको एच, इसकी ई एम एफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इसके पास 2 ओम। यहाँ तक हो गया, ये तो बन गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब करते हैं इसमें करंट की डायरेक्शन, अगर इससे आई करंट आ रहा है, ए पॉइंट पे जंक्शन बन गया, एक जंक्शन यहाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे जंक्शन बन रहे हैं, तो सपोज इसके अलोंग अगर आई वन आ रहा है, तो इसके अलोंग कितना आएगा आई माइनस आई वन। ऐसे ही बी से हम मान लेते हैं इसके अलोंग जा रहा है हमारा, हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जितने अननोन लेंगे उतना ज़्यादा सॉल्व करने प्रॉब्लम होगी। आई वन से आ रहा है बी पे जाके डिवाइड हो रहा है, अगर 2 ओम के अलोंग आई टू जा रहा है, तो इसके अलोंग कितना बच गया आई वन माइनस आई टू, इसके अलोंग भी कितना आ गया आई टू है, और इसके अलोंग भी आ गया हमारा आई टू, की कोई जंक्शन नहीं है। यहाँ से आई वन आ रहा है, ये आई टू जा रहा है, तो इसके पास क्या बच गया आई वन, और लास्ट में रिटर्न कितना आएगा आई। ये तो हो गया हमारे पास करंट। अब हमें यहाँ पे निकालनी है हर ब्रांच में करंट की वैल्यू, इट मीन्स आई वन, सारी वैल्यूज निकालनी करंट की। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं के लगाता हूँ, ये साइड वाले सबसे कोने वाले लूप में लगा रहा हूँ, तो लूप है मेरा, ए से शुरू हो रहा डी, डी से जी, जी से एच और फिर ए, क्लियर।
ए से डी के बीच में करंट आ रहा है आई माइनस आई वन, तो ले लूँगा मैं माइनस आई माइनस आई वन और रेजिस्टेंस है वन। डी से जी के बीच में कुछ नहीं जा रहा है, जी से आई के बीच में करंट जा रहा है आई और रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो ये हो गया माइनस 2 आई और बैटरी कनेक्ट है इसमें 2 वोल्ट की, तो प्लस 2 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले माइनस आई प्लस आई वन माइनस 2 आई प्लस 2 = 0, ये हो गया माइनस 3 आई प्लस आई वन प्लस 2 = 0। सबके साइड चेंज करते हैं, साइड चेंज करूँगा तो क्या आएगा ये, चलिए हम इसके अब साइड चेंज कर देते हैं, माइनस वाला देखते हैं क्या होगा हमारा आएगा। गया साइड चेंज करूँगा तो ये माइनस में जो प्लस है प्लस है वो माइनस है, मीन्स 3 आई माइनस आई वन इक्वल्स टू 2, तो इक्वेशन बन गई फर्स्ट। तो एक इक्वेशन कंप्लीट, अब हम लगाते हैं दूसरे वाले लूप में, हमारे पास सेकंड लूप है ये, इसमें लगाते हैं ऐसे फिर से इन लूप ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, तो इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए से बी आई वन करंट और 2 ओम रेजिस्टेंस, तो माइनस 2 I1। बी से सी 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। फिर सी से डी 2 I1 और डी से करंट की डायरेक्शन है ए से डी और हम ले रहे हैं डी से, तो ये हो जाएगा प्लस आई माइनस आई वन इंटू 1 = 0। क्वेश्चन आ गया माइनस 2 I1, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 I1 माइनस को प्लस माइनस अंदर जाएगा ये माइनस I1 को सॉल्व कर देते हैं, माइनस I1 प्लस I2 माइनस 2 I1 प्लस I माइनस I1 क्लियर और इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन, यही थी हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 2 माइनस माइनस 3 माइनस 3 हो गया ये माइनस 5, तो माइनस 6 माइनस का 6 I1, आई एक है प्लस का और I2 भी एक है, इसको सॉल्व आगे पीछे कर देते हैं थोड़ा सा, आई माइनस 6 I1 प्लस I2 = 0, इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब रह गया हमारे पास ये तीसरा लूप, अब इस तीसरे लूप को भी ऐसे सॉल्व कर देते हैं बी ई एफ सी बी, फिर से लूप ले लेते हैं हम बी ई एफ सी बी, तो 2 I2 1 I2 2 I2 1 I1 माइनस I2, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 2 I2 माइनस I2 इंटू 1 माइनस I2 इंटू 2 हो गया और है हमारा प्लस I1 माइनस I2 इंटू 1 = 0। सॉल्व कर दे इसको, 2 I2 माइनस I2 माइनस 2 I2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो I1 माइनस I2 = 0। I2 वाले टर्म्स को सॉल्व कर देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 6 I2 और प्लस का I1 = 0, इक्वेशन वर्गित थी। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन स्किप करूँगा थोड़ी सी क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो इनको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारी 70/99 एम्पियर और I1 आ जाएगा हमारा 12/99 एम्पियर। ऐसे ही सिमिलरली I2 भी निकाल देंगे हम, 2/99 एम्पियर, ये निकल गया हमारा करंट की वैल्यूज। अब हमें निकालना है एक एक ब्रांच में, तो ए बी के लॉन्ग जा रहा है I1, ठीक है, बी सी के लॉन्ग जा रहा है I1 माइनस I2, तो ऐसे करके हम सारी निकालते हैं, तो क्या निकालना हमें, करंट इन वेरियस
ब्रांचेस, तो सबसे पहले निकालते हैं आई ए बी, आई ए बी के अलोंग कितना जा रहा है, आई वन, तो इसके अलोंग है आई वन और इसकी वैल्यू 12/99 पेयर। दूसरा निकाल रहा हूँ मैं आई बी ई, आई बी ई, तो बी ई के अलोंग जा रहा है आई टू और इसकी वैल्यू है 2/99। तीसरा निकाल रहे हैं हम आई ई एफ, आई ई एफ और इसके लॉन्ग कितना जा रहा है, इसके लॉन्ग भी आई टू जा रहा है, फिर सी एफ का लॉन्ग भी आई टू जा रहा है, इसको भी ले लेंगे हम 2/99। फिर आई सी एफ ये भी आई टू आ गया 2/99। एक रह गया आई सी डी, सी डी के लॉन्ग जा रहा है हमारा आई वन, तो 12/99, ठीक है 12/99। आई ए डी रह गया, तो आई ऑफ ए डी यह है आई माइनस आई वन जो कि आएगा हमारा 58/99 एम्पियर। एक रह गया बी सी, आई बी सी है हमारा आई वन माइनस आई टू, ये हो गया 10/99 एम्पियर, ये हो गया। अब बाकी एक करंट रह गया हमारा इस सेल के अलोंग, तो लास्ट करंट हम निकाल देते हैं इसके अलोंग, तो करंट थ्रू सेल इसके अलोंग जा रहा है आई और उसकी वैल्यू आई थी 70/99 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट।